19 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में आयोजित होगा एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला। आगामी 19 अप्रैल को पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रहलाद लोधी की अध्यक्षता में एक दिवसीय विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य मेले में सर्जिकल, मेडिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, हृदय रोग, चर्म रोग से बाहर से आए विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क जांच आदि कर आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड एवं हेल्थ आईडी भी बनाई जाएगी। उक्त आशय की जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएल चौधरी ने देते हुए क्या कहा, आइए सुने। मैदानी अमला लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है और मैं चाहूँगा कि इस विशाल शिविर में जो बाहर से विशेषज्ञ आ रहे हैं उनका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए जो है आम पब्लिक से अपील कर रहा हूँ। इस संबंध में हमारे अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, हेल्थ आई डी भी बनाई जाएगी और मैं अपने सभी मैदानी अमले से और सभी महानुभावों से अनुरोध करूँगा कि उक्त विशाल स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने के लिए 19 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पधार कर सेवा लेने का कष्ट करें। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर, नगर में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। शनिवार 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में भगवा रंग के झंडों से भगवामय बनाया जा रहा है। बता दें कि बजरंग दल के द्वारा नगर में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो जगदीश स्वामी मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण कर जगदीश स्वामी मंदिर में समाप्त होगी। कल जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शोभा यात्रा जगदीश स्वामी मंदिर से हम लोग निकाल के और गांधी चौक से झंडा बाजार से मोहंद्रा मोड़ और करी चौराहा से वापस जगदीश स्वामी मंदिर लाएंगे, वहां पे समापन होगा। जगदीश स्वामी मंदिर से ही प्रारंभ की जाएगी, जिसमें मैं समस्त नगरवासी और क्षेत्रवासियों के हिंदी भाइयों और बहनों को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप लोग आएँ और अपना जीवन धन्य करें। ऐसे मौके साल भर में एक बार आते हैं जिसमें आप लोग सभी लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लें। पवई पुलिस ने करी चौराहा में किया पेट्रोलिंग कार। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के निर्देशन एसडीओपी अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी डीके सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को करी चौराहा में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग कार किया गया और लोगों पर नज़र बनाए रखी।